आज़ादी जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं रहा, यही आज़ादी है। ये आज़ादी होती क्या है? आज़ादी मतलब खोल के जीना, खोल के अपना काम धंधा करना। लेकिन यहाँ काम धंधा करने कहाँ रहते हैं, आज़ाद नहीं है। समथिंग व्हेन यू नीड नॉट टू इम्प्रेस एनीवन, जब आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ना पड़े उस टाइम आप फ्री हो। ये तो अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अगर आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इतने आर्टिकल्स हैं और 390 प्लस आर्टिकल्स हैं आपके पास, आपको हर चीज़ की जानकारी होगी अगर, तो ही आप पता चलेंगे ना आपको कहाँ आज़ादी है कहाँ नहीं है। इंडिया आज़ाद तो हो गया था 1947 में, लेकिन अभी तक आज़ादी आई नहीं है। हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन के पीछे हम लोगों को हर साल एक थीम लेके चलना चाहिए कि हमें ये करना है अपनी इंडिया को आज़ाद और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। आज़ादी तब आएगी जब इंडिया से पूरा करप्शन खत्म हो जाएगा, तब असली में कहा जाएगा कि आप आज़ाद हो गए। हम लोग रात को बाहर निकल सके। आपको सोचने की आज़ादी है, तो यानी आपको हर चीज़ की आज़ादी है यहाँ पे। अब मोस्टली यहाँ लखनऊ में तो ऐसा होता है कि जो है शॉर्ट कपड़े ही नहीं पहन सकते, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से लोग देखते हैं, लोग कमेंट करते हैं। तो शॉर्ट कपड़े पहनने से इंडिपेंडेंस मिल जाएगा? नहीं, दिखाने के लिए तो आज़ाद हो गए, पर लेकिन इंडिया में जो हो रहा है उससे हम लोग जो इंडिपेंडेंट नहीं हुए अभी तक के। अभी हम लोगों को जो अभी और डेवलप होना है, इसलिए हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आज भी क्या होता है कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही बच्चे को चलना है। पेरेंट्स ने बोला डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना जरूरी है। पेरेंट्स ने बोला 95% मार्क्स लाना, 95% लाना ही जरूरी है। मेरे लिए आज़ादी बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे भ्रष्टाचार है और लड़कियों के साथ बदतमीजी वगैरह, वो सब अभी भी बहुत कम नहीं हुई है। सब जानकारी की कमी है, नॉलेज की कमी है। यही काम धंधे वालों को दुकान लगानी दी जाए। अब तो सरकार नियम ऐसा बना रही है कि फुटपाथ पे कोई दुकानें ना लगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार यही बोलना चाहेंगे भाई, गरीब आदमी कमाने खाने दिया जाए और उनको हटाने का इंतजाम बना रहे हैं कि फुटपाथ पे कोई लगाए ना, लगाएंगे नहीं तो पक्की दुकान है कहाँ जो लगाए। मतलब आप आज़ादी पाने के लिए क्या कर सकते हैं? आज़ादी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान, और इंसान को आज़ादी पाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। तो आप इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं? कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं तो इसलिए कभी कभी लेना बोलना पड़ता है झूठ। इस टाइप की आज़ादी को आप पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? आप अपनी आज़ादी पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? मैं अपनी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ पर आप अपनी आज़ादी पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं मालूम, नहीं कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। डर भी करेगा तो सामना करना चाहिए, अगर वो एक मारे तो हम दो मारेंगे। हमें डरने की बात कोई है नहीं इसमें।